नमस्कार देश विदेश सहित मुझे विकास बुलेटिन आरंभ करने प्रथम नजर पकड़ ना कौन रही हेडलाइंस काश्मीर विकास और शांतिर जत्रे कहीं देपारे बाधा इशारा इशारा विरोधी और पाकिस्तान को शाह चेतावनी आतंक उपर शक्त प्रहार पर गर्जन सेनार मनोबल बढ़ाइले सीमार शेष गांव में पहुंचे केन्द्र गृहमंत्री यूपी विरोधी को प्रधानमंत्री टार्गेट कहे उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य सेवा विपर्ययर कारण पूर्वर भ्रष्टाचारी सरकार साइकिल राजनीति और परिवारवाद पूर्व सरकार रही उद्देश्य योगी सरकार सुचिंतित नीति प्रदेश आनी बड़ परिवर्तन स्वास्थ्य सेवा सुधार बड़ पदक्षेप प्रत्येक गरीब रु गरीबों पाखे पहुंच स्वास्थ्य सेवा भारत में नुआ वारियांट AY4.2 भय इंदौर में सात और महाराष्ट्र में किसी आक्रांत चिन्हट डीएमईटी कहले AY4.2 भारत में नगण्य व्यस्त होवार नहीं सेपटे स्वास्थ्य निर्देशकों सतर्कवाणी दीपावली में बाण फुटिले फुसफुस को प्रभावित करिबो कोरोना भूताणु नेशनल फिल्म अवार्ड 2021 सुपरस्टार रजनीकांत को दादा साहेब फाल्के अवार्ड मनोज बाजपेयी और धनुष को बेस्ट एक्टर कंगना को मणिकर्णिका पर श्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार केले टंका टीम वर्क पुणी कैप्टेन को नारे संघातिक अभियोग आणिले स्थानीय बासिंदा प्रति सात दिन रे कॉलेज जाउथिले मंत्री टंका ओ झियो दे मंत्री मानू को रखिथला गोविंद डीजीपी को प्रश्न आसुथिबा अभियोग रो हेबो कि तदंत 2014 रे जीतिले कैप्टेन भाग्य फिटिला कैप्टेन मंत्री हेबा परे सोनेपे सुहागा फिटुची गोविंदों जमी केलेंकारी रो घुमर उदाभटा मोजार जमी केमिति हातेले गोविंद व्यक्तिगत जमी उपरे केमिति आसुथिला सरकारी अनुदान राज्य सरकार को गलाप बोली थिला कि आशीर्वाद बहु सरकार फीडबैक रे आसिला व्यवस्थार भितरी कथा समवा विभाग रो दुर्नीति बखाणिले लोके कृषि ऋण जालियाती करी 14 जिला रु कोटी कोटी टंकार दुर्नीति घेरिले विरोधी विभागीय मंत्री को उपरे हेवता एक्शन एथर संपूर्ण खबर काश्मीर विकास और शांतिर जत्रे कहीं देपारे बाधा इशारा इशारे विरोधी और पाकिस्तान को शाह चेतावनी घाटी में आतंक उपर शक्त प्रहार पर तीन दिन धरी जम्मू और काश्मीर में अमित शाह आज थिला शाह ऐतिहासिक गस्तर शेष दिन प्रथम सुरक्षापाई सेना सह बैठक पर घाटी शिक्षार संस्कार शाह नहीं बड़ पदक्षेप एथस काश्मीरवासी मनु भय दूरपी लोकों सह सीधासख मिशि केन्द्र गृहमंत्री अमित शाह दिल में से खौफ निकाल दीजिए डर निकाल दीजिए कश्मीर की शांति और विकास की यात्रा को कोई खलल नहीं पहुंचा सकता आप भारत सरकार पर भरोसा कर सकते हैं हम पर भरोसा कर सकते काश्मीर रो विकास और शांतिर यात्रा रे केही देई पारिबे नी बाधा इशारा इशारा रे विरोधी और पाकिस्तान को साहंक चेतावनी मैं आपके सामने साफ करने आया हूं उनको मारने की इजाजत हम नहीं देंगे उनको शांति में खलल नहीं पहुंचाने देंगे और यहाँ पर जो अमन और चैन है वो बरकरार है घाटी रा आतंक उपरे शक्त प्रहार पई तीन दिन धरी जम्मू और काश्मीर रे केंद्र गृहमंत्री अमित शाह आज थिला शाहक ऐतिहासिक गस्तर शेष दिन प्रथम सुरक्षा पई सेना सह बैठक पर घाटी शिक्षार संस्कार आने शाह नहीं बड़ पदक्षेप एथस काश्मीरवासी मनु भय दूरपी लोकों सह सीधा सड़क जा मिशि केन्द्र गृहमंत्री अमित शाह शांति फेरवाई काश्मीर सुफी सत भेटी अमित शाह जहां से कहते आरंभर काश्मीर भारत समृद्ध ऐतिह्यर केन्द्रबिंदु रही सुफी संस्कृति से ही ऐतिह्यर एक बड़ अंश जहां शांति एवं उदारवादर प्रतीक अटे सुफिजम मध्य एशिया और ईरान से कश्मीर के रास्ते से हिंदुस्तान में आया था कश्मीर ने पूरे भारत को सूफीज्म की भेंट दी है मैं इनके साथ बैठकर आया हूं मैं आपको बताता हूं कि मैं एक आशा की ज्योति देखकर आया हूं मेरे मन में बहुत आशा जगी है कि जम्मू कश्मीर के अंदर हमेशा के लिए शांति हो सकती है निज तीन दिनिया यात्रा शेष पूर्व शाह पहुंची सीमार शेष गाँ मकवल पाकिस्तान सीमा ठारू मात्र 10 किलोमीटर दूर रे ही गाँ सेना आउटपोस्ट बुली देखिबा सह जवान मानक मनोबल बढ़ाई थिले केंद्र गृहमंत्री
ये एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन है कि हमारे गृहमंत्री जी जवानों के साथ में उन्होंने इंटरेक्ट किया है और उनके साथ में जो उनकी समस्याएं हैं उनको सुना है, तो इससे जवानों के मनोबल के ऊपर बहुत बड़ा एक अच्छा असर पड़ता है, वो प्रोत्साहित तो होते हैं। सीमार शेष गाँव मकबलवासी आलोचना करते शाह अवसर में से कही राजधानी में रहुवा नागरिकों देशर संबल जी अधिकार रही सीमांत गाँव में रहुवा नागरिक मान रही मोदीजी नेतृत्व में सीमा पर्यंत प्रत्येक सुविधा एवं विकास जोगाइबा को सरकार प्रतिबद्ध। कश्मीर का चौमुखी विकास हो, ये मोदी जी की दिल की इच्छा है और मुझे भरोसा है कि हमारे नियत में कोई खोट नहीं, हमारे मन में कोई बुरा भाव नहीं है। घाटी का विकास, जम्मू का विकास और नए बने लद्दाख का विकास एकमात्र पाकीजा मकसद के साथ ये कदम उठाया गया है और मैं आपको कहता हूं कि 2024 के पहले कश्मीर को जो चाहिए था वो आपकी नजर के सामने होगा। एथसहित केन्द्र गृहमंत्री काश्मीर प्रसिद्ध माता खीर भवानी मंदिर परिदर्शन करते एवं माता आशीर्वाद ग्रहण करते। शाहदिनिया काश्मीर गस्तर सेनार बढ़ी मनोबल, आतंकर निपात शिक्षा को अस्त्र, शांति प्रतिष्ठा दिगरे नि दूरदृष्टि संपन्न पदक्षेप। सबटे काश्मीर केन्द्र गृहमंत्री अमित शाह उद्बोधन बेले सामनाकु आसिला एक रोचक दृश्य। केन्द्रमंत्री सुरक्षा पई पोडियम पाखरे थिबा माइक सामनारे लगा जाइथिबा बुलेट प्रूफ सील्ड को खोली दैथिले सुरक्षाकर्मी माने। काश्मीरवासी को केन्द्र गृहमंत्री उद्बोधन देवार ठीक पूर्वरु ही सुरक्षाकर्मी माने सील्ड को खोली दैथिले, तबे एमिती करबा पई अमित शाह सेमानकु निर्देश दैथिले। घाटीरु आतंकी मानकु सीधा सीधा चेतावनी देबा पई केन्द्र गृहमंत्री एमिती किछि करथिबा चर्चा होउछि। यूपी विरोधी को प्रधानमंत्री टार्गेट कहले उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य सेवा विपर्जय कारण पूर्व भ्रष्टाचारी सरकार, साइकिल राजनीति और परिवारवाद पूर्व सरकार रही उद्देश्य, योगी सरकार सुचिंतित नीति प्रदेश आनी बड़ परिवर्तन, स्वास्थ्य सेवा सुधार बड़ पदक्षेप, प्रत्येक गरीबर गरीबों पाखे पहुंच स्वास्थ्य सेवा। यूपी विरोधी को प्रधानमंत्री का टारगेट, प्रदेश स्वास्थ्य सेवा विपर्यर कारण पूर्वर भ्रष्टाचारी सरकार, साइकिल राजनीति और परिवारवाद थिला पूर्व सरकार का एजेंडा, योगी सरकार का सुचिंतित नीति राज्य आनी बड़ परिवर्तन, स्वास्थ्य सेवा सुधार बड़ पदक्षेप, गरीबर अति गरीब पाखे पहुंच स्वास्थ्य सेवा। उत्तर प्रदेश वासी को 9 मेडिकल कॉलेज रो उपहार देइछंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एहा सहित वाराणसी रे आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर रो शुभारंभ और अन्यन्य प्रकल्प रो उद्घाटन करिछंती प्रधानमंत्री। मेडिकल कॉलेज स्थापना द्वारा राज्य रे साधारण स्वास्थ्य सेवा रो विकास हेबा सहित राज्य रो गरीबरु गरीब लोकों को निश्चिंत स्वास्थ्य सेवा मिलि परिबो, कहार आ चिकित्सा अभाव मृत्यु घटव ना, सबुठ भल स्वास्थ्य सेवा सबुठ डाक्तर और स्वास्थ्य कर्मी उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य सेवा केन्द्र में स्थान पाइबे। उत्तर प्रदेश पूर्व भारत मेडिकल हब भाव में बहुत शीघ्र ख्याति हासिल कर प्रधानमंत्री प्रकाश कर। मेडिकल कॉलेज, ये सभी मेडिकल कॉलेज अब पूर्वांचल के कोटि कोटि जनों की सेवा करने के लिए तैयार है। इन 9 नए मेडिकल कॉलेजों के निर्माण से करीब 2500 नए बेड्स तैयार हुए हैं, 5000 से अधिक डॉक्टर और पैरामेडिकल के लिए रोजगार के नए अवसर बने हैं। जिस पूर्वांचल को पहले की सरकारों ने बीमारियों से जूझने के लिए छोड़ दिया था, वही अब पूर्वी भारत का मेडिकल हब बनेगा। पूर्व सरकार को पाई पूर्वांचल परिस्थिति सबुले खराब हो रही आसीथिला, विपत्ति सहित लड़ी न पारी असहाय भाव में पड़ी रही पूर्वांचलवासी।
ପୂର୍ବର ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ସରକାର ରାଜ୍ୟର ନୁହେଁ ବରଂ କେବଳ ନିଜ ଘରର ତିଜୋରୀ ଭରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିଲେ ବୋଲି କହି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ସମାଜବାଦୀ ସରକାରଙ୍କୁ କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଦେଶରେ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ବିନା ଦିନରାତି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ସପା ସରକାର ନିଜର ଭ୍ରଷ୍ଟ ସାଇକେଲ ରାଜନୀତି ଚଳାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିଲେ। डिस्पेंसरी की कहीं छोटे छोटे अस्पताल की घोषणा करके बैठ जाते थे, लोग भी उम्मीद लगाए रहते थे, लेकिन सालों साल तक या तो बिल्डिंग ही नहीं बनती थी, बिल्डिंग होती थी तो मशीन नहीं होती थी, दोनों हो गई तो डॉक्टर और दूसरा स्टाफ नहीं होता था, ऊपर से गरीबों के हजारों करोड़ रुपये लूटने वाली भ्रष्टाचार की साइकिल, ये भ्रष्टाचार की साइकिल 2400 घंटे अलग से चलती रहती थी। दवाई में भ्रष्टाचार, एम्बुलेंस में भ्रष्टाचार, नियुक्ति में भ्रष्टाचार, ट्रांसफर पोस्टिंग में भ्रष्टाचार, इस पूरे खेल में यूपी में कुछ परिवारवादियों का तो खूब भला हुआ, भ्रष्टाचार की साइकिल तो खूब चली। निकटरे देश 100 कोटी टीकाकरण रेकर्ड स्थापन करिछि। एही लक्ष्य पूर्ण रे उत्तर प्रदेश वासिंकर मध्य प्रमुख भूमिका रहिछि। कोरोना विरोध रे लड़ाई करिबेरे राज्यर समस्त स्वास्थ्य कर्मचारी समेत पूरा राज्यवासी को प्रशंसा करिछन्ति प्रधानमंत्री। ब्यूरो रिपोर्ट, अगस्त न्यूज। କାହାକୁ ଜଣାନଥିଲା ହଠାତ୍ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବେ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ଅଫିସକୁ। ବୁଲି ଦେଖିବେ କିପରି ରହିଛି ଅଫିସ ପରିବେଶ ଆଉ କିପରି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରାଳୟର କର୍ମଚାରୀମାନେ। ଆଜି ହଠାତ୍ ରାଇସିନା ହିଲ୍ର ସାଉଥ୍ ବ୍ଲକରେ ଥିବା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ଅଫିସକୁ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଭିଜିଟ୍ରେ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ବିଭିନ୍ନ ଅଫିସର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକକୁ ଯାଇ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଯେଉଁଠି କିଛି ଅସୁବିଧା ରହିଛି ତାହା ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ନିଜ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ନିଜ ବିଭାଗର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖି ବେଶ୍ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିଲେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ। ବିଗତ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ୍ ଆଖିଦୃଶିଆ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ରପ୍ତାନୀ। ଏବେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱର 75 ଦେଶକୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସାମଗ୍ରୀ ରପ୍ତାନୀ କରିପାରୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ 334% ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଶର ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆଧୁନିକୀକରଣ କରିବା ସହିତ ବଜେଟ୍ରେ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ବିଗତ 15 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ବିଶେଷକରି ଏରୋସ୍ପେସ୍ ଏବଂ ଡିଫେନ୍ସ ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି କ୍ଷେତ୍ର ଅଧିକ କୃତିତ୍ୱ ନୂଆ ଉଚ୍ଚତା ଛୁଇଁବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ। has seen the discovery of new horizons in the aerospace and defense manufacturing sectors, including space, cyberspace, futuristic capabilities and disruptive technologies such as artificial intelligence, blockchain, virtual reality, 3D printing, digital frontier, internet of military things, etc. Friends, I am happy to share that the Indian aerospace and defense manufacturing sector today is ready to soar to newer heights. ଆଜି ପ୍ରବଦୀ ଖବରକୁ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି 67ତମ ନ୍ୟାସନାଲ ଫିଲ୍ମ ଆୱାର୍ଡ। ଏଥିରେ ସାଉଥ୍ ସୁପରଷ୍ଟାର ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କୁ ଫିଲ୍ମ ଜଗତର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ମାନ ଦାଦା ସାହେବ ଫାଲକେ ଆୱାର୍ଡରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭାବରେ କଙ୍ଗନା ରାଣାୱତଙ୍କ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ପାଇଁ ମନୋଜ ବାଜପେୟୀଙ୍କୁ ଓ ଧନୁଷଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ଆୱାର୍ଡ ଫିଲ୍ମ ଛିଚରକୁ ମିଳିଛି। ସ୍ୱର୍ଗତ ତଥା ଦିବଂଗତ ଅଭିନେତା ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ରାଜପୁତଙ୍କ ଏହି ଫିଲ୍ମ 2019ରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିଲା। I'm extremely happy to receive this prestigious award and my heartfelt thanks to central government for honoring me with this most prestigious Dada Saheb Phalke award. I dedicate this award to my mentor, my guru, K. Balchandra sir. This moment I remember him with great gratitude.
And my brother Satyanarayan Rao Gaikwad, who is like my father, who brought me up with teaching me with great values and injecting me a spirituality in me. And my friend, a Karnataka bus transport, transport driver, my colleague, Raj Bahadur. When I was the bus conductor, he was the one who identified the acting talent in me and encouraged me to join cinemas. भारतीय फिल्म उद्योग ने विभिन्न भाषाओं में अपनी पहचान बनाई है, चाहे वो भोजपुरी फिल्म हो या तमिल या फिर ओडिया या असामी फिल्म हो, अन्य भाषाओं में भी उल्लेखनीय फिल्में बन रही है। भाषाओं के विभिन्नता के बावजूद सिनेमा की अपनी ही अलग भाषा होती है, जो क्षेत्रीय या सांप्रदायिक सीमाओं से ऊपर है। अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी अपना एक देश, विविधता में एकता भारत का विशेषता। आज अपराधी खबर को समवाय विभाग रे अराजकता और दुर्नीति किभली चरम सीमा रे पहुंची तार एक ज्वलंत उदाहरण एवं सामना को आसी। प्राय 14 जिले रे दुर्नीति रो गंध आसला पर एवं सरकार को चिंता बढ़ी जाय छी। केउठारे लोकन को ऋण कराइबा पई विपुल अर्थ दाबी करा जाउ छी, तो आउ केउठारे ऋण पई दौड़ाई दौड़ाई नाकेदम करा जाय छी। कृषि ऋण प्रदान रे प्राथमिक समवाय समिति और समवाय बैंक रे सरकार को 5T नीति संपूर्ण विफल होता बेले चाषी एवं त्राही त्राही डाकुं। निज गातरे निजे पड़िले सरकार, मो सरकार फीडबैक रे आसिला व्यवस्थार भित्री कथा। समवाय विभाग रे चालीथिबा सांघातिक दुर्नीति बखाणिले लोके। कृषि ऋण जालियाती करी 14 जिलारु होईछि कोटि कोटि टंकार दुर्नीति। प्रश्न, मंत्री को उपरे कार्यनुष्ठान नेब त मो सरकार? नजर पकांतु ए हेउछि मो सरकार पक्षरु साधारण लोकंकु मगा जाइथिबा फीडबैक फॉर्म, जेउथिरे देवगढ़ रो मिखेल लाकरांकु मो सरकार पक्षरु जोगाजोग कराजिबा परे से जे उत्तर देइछति तहा सरकारी व्यवस्थार सबु पोल खोली देइछि। लाकरा मतामत देइछति जे कृषि ऋण पई तांकु हरास करा जाउछि। कृषि ऋण कराइ देबा पई तांको ठारु अर्थ आदाय करा जाइथिले हे तहा ठिकणा समय रे समपाय समिति किबा बैंक पक्षरु मिलु नाही। एमिति कि विभाग पक्षरु ठिकणा भाबे तांकु अवगत करा जाइ नथिबा लाकरा तांको मतामत रे सरकार को दर्शाइछन्ति। देवरी सौभाग्य चंद्र प्रधान को ठारु मो सरकार रे मतामत लोडा देइथवा बळे से भी अनुरूप अभिजोग करिछन्ति। केवल देवगढ़ जिलार ये दुई चाषी नुहंती, बरं प्राय 14 जिलार कृषि ऋण प्रदान रे भली अनियमितता अभियोग आसीथिबा मो सरकार फीडबैक कहुछि, जाकुनि सरकार को घेरिछन्ति विरोधी। ये सरकार कहार नुह, ये सरकार होची बिजु जनता दल सरकार, एथिरे समस्ते निष्पेषित, समस्ते शोषित, समस्ते निष्पेषित, केही या द्वारा लाभवान हो पारुनांदि। कौ चाष कार्य हो पारुछि, कौ कथा हो पारुछि, सबुथिरे हरास होउचंती लोक, केवल मोटा अंकर अर्थ विजु जनता दल नेता माने नौचंती। जिलापाल मान को गुआई जो कोऑपरेटिव विभाग, कोऑपरेटिव विभाग जानी नहीं, कोऑपरेटिव विभाग रे मध्य एभली भाव रे तंकर डिपार्टमेंट चली, बहु लोक चासी आत्महत्या करे को बाध्य होउचंती बिकॉज़ ऑफ द कोऑपरेशन डिपार्टमेंट। सबडे हा को नहीं 14 जिला रो उपनिबंधक को ठरु जवाब मगा जाईछि। तथ्य अनुसार देवगढ़, भद्रक, बरगढ़, कंधमाल, कटक, बलांगीर, सुवर्णपुर, जाजपुर, मयूरभंज, गंजाम, अनुगुल, केउछर, संबलपुर और पुरी जिले में कृषि ऋण पई चासी माने दहगंज होउछन्ति। बारंबार समवाय बैंक किबा समिति को दौड़िले मध्य ऋण मिलु नाही। एमिति कि ऋण कराइबा पई पुळा पुळा टंका देले मध्य ठिकणा समय मध्य रे चासी को कृषि ऋण मिलु नाही। एभली अभियोग मो सरकार जरिया रे तृणमूल स्तर रु मिलिबा परे सरकार को चिंता बढ़िछि, जाकु नहीं समवाय विभाग अतिरिक्त शासन सचिव संतोष कुमार दास चैत मास 8 तारीख रु 14 जिलार उपनिबंधक को अवगत कराइथिले, मात्र यार ठिकणा उत्तर ए पर्यंत सरकार को मिलि नथिबारु एहि सप्ताह भितर तदंत करी सरकार को पूर्णांग तथ्य देबाकु निर्देश दिया जाइछि। मात्र विरोधी अभियोग उपरे निर्दिष्ट उत्तर न रखी बरम शासक दल मो सरकार कथा कहि निज पिठी थापड़ैछि। जोठी त्रुटि विच्युति परिलक्षित होउछि ताको संशोधन करा जाउछि, सेइटा ही अकाउंटेबिलिटी, सेइटा ही 5T, सेइटा ही लोकंकर मतामत।
पूर्वरु खोद समवाय मंत्री रणेन्द्र प्रताप स्वाई निज निर्वाचन मंडल संगीन अभियोग आ गुड़ीझाटी समवाय ब्यांक ऋण जालियाती खोद मंत्री भाई रही जमापड़ा जलेश्वर दाहुदा बड़म्बा संबलपुर सालभेटा बलांगीर चाषी ना ऋण जालियातीर सांघातिक अभियोग आ सरकार पाखक चाषी फिडबैक आसवा पर प्रश्न समवाय विभाग में 5G मंत्र स्वच्छता परिवर्तनशील और समयानुवर्तिता केमिति काम करुशन क्यमेरा पर्सन सनातन बेहरा दिव्यज्योति महांती रिपोर्ट अर्गस न्यूज। अच्छा परवर्ती खबर को कुआडे गले बीजेडी रो फेस टुकुनी स्नेहांगिनी श्रीमयी आउ राशेश्वरी के गंभीरारे अछंती पश्चिम ओडिशा बीजेडी रो ही चारि चेहरा ओडिशा जळुथुआ बळे काही की एमानकर बड़ निरवता पद सुरक्षा ना महिला सुरक्षा एमानक पई बड़ हाथरस घटना रे दिल्ली जाय आंदोलन करबा कथा कहुतबा महिला बीजेडी रो आगधाडी रो नेता काही की चुप ताकु नै उठिछि एबे बड़ प्रश्न। टुकुनी स्नेहांगिनी श्रीमयी आउ राशेश्वरी चर्चा रे पश्चिम ओडिशा रो चारि महिला नेत्री राज्य जळुथुवा बेले एमाने मौन व्रत रे काहिकि स्लोगान नारा आउ प्रचार माँ को सम्मान कथा अटकिछि केउठी माँ को सम्मान देबाकु पछघुंचा काहिकि देउछि बीजेडी आउ काहिकि चुप बसिछंती खोद राज्यर महिला और शिशु विकास मंत्री सारा राज्य जळुथुवा बेले काहिकि चुप बसिछंती खोद महिला और शिशु विकास तथा मिशन शक्ति मंत्री टुकुनी साहू और विजु महिला जनता दल सभानेत्री स्नेहांगिनी छुरिया टुकुनी और स्नेहांगिनी निरवता को नहीं उठी बड़ प्रश्न मोहालिंग कॉलेज रो प्रिंसिपाल ममिता मेहर प्रश्न को नहीं सारा राज्य जलुची रास्तार विरोधी आरंभ कर विभिन्न संगठन प्रतिवाद कर राज्य बाहर प्रतिवाद स्वर शुभुले जे मंत्री टुकुनी साहू और बीजेडी महिला जनता दल सभानेत्री स्नेहांगिनी छुरिया जड़े महिला विभत्स भाव हत्या कर घटन कहीं मुहरे तुंडी एहाकु नहीं प्रश्न उठाई विरोधी बीजेपी और कांग्रेस हाथरस घटनार मशाल जाली स्नेहांगिनी एवं कहीं चुप जत दिन पर्यंत ये महिला दलित तो महिला आज यदि न्याय न पाई तेल आम राजस्ता को उठबू समस्त दलित तो महिला महिला मैंने ओडिशार आम बाहर राजस्ता को आसबु प्रतिवाद करूँ एवं यही जो आंदोलन प्रतिवाद आज आरंभ यहाँ दिल्ली पर्यंत निश्चित परवर्ती समय गला माँ को सम्मान नारा आउ कुआडे गला बीजेडी महिला सुरक्षा नाराबाजी बीजेडी महिला सुरक्षा तालिकारे कण नथिले कि ममिता ना खोद निजर सहयोगी मंत्री कैप्टेन दिव्यशंकर मिश्र सुरक्षा लागि पड़ी टुकुनी आउ स्नेहांगिनी समग्र ओडिशा रे जो निया रो दाबाग्नि प्रचलित होई छी से माने एलिना आउ को लोक मान को आनी कि जो माने कि ए विषय रे पश्चिम ओडिशा कथा जानि नांती पश्चिम ओडिशा रो स्वाभिमान कथा बुझी पारि नांती सेमिति लोक मान को आनी कि टीवी सामना रे बसे दोचंती एवं सेमानकर दीदीटा मुखपात्र अछंती मंत्री टुकुनी साहू सेही विभाग रो मंत्री से चुपचाप रहिबा अत्यंत दुर्भाग्यजनक यदि गुजरात कथा से आवाज उठे पारे आज पश्चिम ओडिशा रो गोटे झीओर हत्या करा जाय छी षडयंत्र करी हत्या करा जाय छी ता से जानु छंती भल भाव रे तांकर नेता मंत्री सेते शामिल अच्छा से कॉलेज के जाऊले से कॉलेज रे बहुत बड़ सेक्स रेकर्ड चली बोली तो से जाणीक चुप रोचान कि आज गोटे झील को न्याय देवे से पचगुंचा दूसरे यार बहुत अति लज्जाजनक घटना जदि केन्द्र में गोटे घटना घटला बेलकू ए बीजेडी दल नेत्री मैंने राजनीति कर रास्ता को बाहरी किंतु ओडिशा स्नेहांगिनी आपणकर श्रीमय मिश्र एवं टुकुनी साहू जे कि बलांगीर प्रतिनिधित्व करछंती टुकुनी साहू छंती महिला शिशु कल्याण मंत्री एमाने सब गले कुआडे सुहाइले मुह देखाइबा पई बाहरुछंती बीजेडी रो एही नेत्री माने जेतेबेले निज दलर नेतांको नारे आसुछि अभिजोग सेतेबेले कछुप अवतार काही कि धारण करुछंती बीजेडी रो एही नेत्री माने एहाकु नै प्रश्न उठाइछंती विरोधी दल पक्षर सांबादिक सम्मिलनी करा जाउथवा बळे काही कि एमाने मुह खोलु नहंती केवल टुकुनी और स्नेहांगिनी नहंती ए तालिकारे अछंती मुखपात्र राशेश्वरी पाणिग्राही और श्रीमयी मिश्र उभय पश्चिम ओडिशा रो होइतिले हे ममिता को पई एमाने मुह खोलिबा को साहस जुटाई पारु नहंती
ବାସ୍ତବରେ ଏମାନେ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା କଥା କହୁଛନ୍ତି ନା କାହା ଇସାରାରେ ସୁହାଇଲେ ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।